नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। खबर आपसे जुड़ी हुई आपके काम की और खबर फास्टैग की, क्योंकि अगर आपका फास्टैग केवाईसी नहीं है तो आज आखिरी तारीख है और आज के बाद आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और अगर आप किसी भी टोल से गुजरेंगे तो आपकी गाड़ी का डबल टोल लगेगा। तो आज आखिरी तारीख है और इससे पहले भी मैंने आपको खबर बताई थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था 15 जनवरी को कि आपके पास समय है और 15 दिनों में आप अपना फास्टैग जो है वो केवाईसी करवाएं। और अगर नहीं करवाया है तो एप्लीकेशंस पर जाएं, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और केवाईसी जरूर करवा लें, क्योंकि केवाईसी नहीं होने पर आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई परेशानियां आपको आएंगी, आपको टोल पर अतिरिक्त टोल देना पड़ेगा और जाहिर सी बात है फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन आज आखिरी तारीख है, 31 तारीख है और जिनका फास्टैग केवाईसी नहीं हुआ है उनके लिए अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फास्टैग केवाईसी जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कम से कम 5 से 7 दिनों का समय लगता है केवाईसी अप्रूव होने में और कई बार केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं या फिर अप्रूव नहीं होते हैं। तो इस समय अगर आपको भी केवाईसी करवाने की जरूरत है, आपने नहीं की है, तो सबसे पहले आप जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट है आप उस पर जाएं और उस पर जाकर आप लॉगिन करें। जो आपका प्रोफाइल का पेज होगा, कस्टमर प्रोफाइल का पेज होगा, उसे ओपन करें और वहां पर एक केवाईसी का ऑप्शन आपके पास आएगा। इस केवाईसी के ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको केवाईसी का स्टेटस मालूम चलेगा कि आपके फास्टैग की केवाईसी है या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो आपको वहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। दो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, एक डॉक्यूमेंट आपका आईडी प्रूफ होगा और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस प्रूफ होगा, जिसमें कि आपको जो डॉक्यूमेंट वहां पर मांगा होगा उसकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो वहां पर शो हो जाएगा कि क्या आपकी केवाईसी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। और तुरंत नीचे आ जाएगा केवाईसी पेंडिंग, यानी कि आपने रिक्वेस्ट डाली है लेकिन केवाईसी अभी अप्रूव नहीं हुई है और उसके लिए आपको करना होगा इंतजार। और ये इंतजार 7 दिनों का हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 दिनों में 3 दिनों में जो है वो आपका केवाईसी अप्रूव हो सकता है। और अगर नहीं करेंगे और आप अगर आपका केवाईसी आप हफ्ते के बाद करते हैं, 10 दिन के बाद करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उतनी परेशानी आपकी बढ़ेगी और फ्रिक्वेंटली जो ट्रेवलर हैं जिनके टोल से गुजरना होता है उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगे। तो अभी आप जो है वो इस वेबसाइट पर जाएं, जो फास्टैग जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से है उनके लिए जो वेबसाइट है वो है fastag.ihmcl.com। या वेबसाइट्स नोट करें जो कि NHAI से इशू हुए फास्टैग हैं उनकी केवाईसी के लिए जो वेबसाइट है वो है fastag.ihmcl.com। इस पर जाएं, लॉगिन करें, आगे विजिट करें, केवाईसी पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसके बाद आपका जो फास्टैग है वो केवाईसी पेंडिंग शो करेगा और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे आपका केवाईसी ग्रीन वहां पर आ जाएगा कि आपकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि केवाईसी वेरीफाइड है। और जो बाकी के डिफरेंट बैंक से अगर आपने फास्टैग लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह भी शिकायत थी कि जो डिफरेंट बैंक के केवाईसी फास्टैग हैं उन्हें अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो उन्हें समझ नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट है वो है www.net.org.in/request-for-NETC-fastag। तो आपने जो मुख्यतः आपकी वेबसाइट है वो है www.netc.org.in, आपने इस पर विजिट करना है, फास्टैग का आपके पास ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है, आपने जिस भी बैंक से फास्टैग इशू करवाया है आपने वो बैंक सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने करना है अपडेट केवाईसी ऑनलाइन। जब आप अपडेट केवाईसी ऑनलाइन पर जाएंगे तो उसके बाद आपको वहां पर बताया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको स्टेटस वहां पर आ जाएगा
कि आपका केवाईसी पेंडिंग में आ चुका है और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, आपको इंतजार करना है और उसके बाद से आपको SMS के जरिए ये जानकारी दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी कि आपकी KYC वेरीफाइड हुई, अप्रूव हुई या फिर रिजेक्ट हुई। तो दोनों ही, यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएं और जो दूसरे बैंक्स हैं वो जो वेबसाइट मैंने बताई है www.netc.org.in, आपको इस पर जाना है, इस पर KYC का ऑप्शन आपको मिल जाएगा फास्टैग का और वहां जाकर जो है वो आपने KYC अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। दो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, एक आपको आइडेंटिटी के लिए देना होगा, ID प्रूफ देना होगा और दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ वहां पर देना होगा जिसके लिए आपका वोटर कार्ड भी वैलिड है और ID प्रूफ के लिए भी आपको कोई ना कोई एक देना होगा। आप चाहें तो एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो लगा सकते हैं। तो आज क्योंकि आखिरी तारीख है और क्योंकि वन फास्टैग पर अब सरकार ने जोर दिया है और अगर आपकी गाड़ी पर मल्टीपल फास्टैग इशू हुए हैं तो पिछले जितने भी फास्टैग हैं वो आज डीएक्टिवेट हो जाएंगे, केवल जो लेटेस्ट जो आखिरी फास्टैग आपकी गाड़ी पर इशू हुआ था वही वैलिड रहेगा और उसके वैलिड रहने की भी कंडीशन यही है कि उसका जो KYC है वो अप्रूव होना चाहिए। और अगर आपका KYC अप्रूव नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका जो फास्टैग है वो काम नहीं करेगा, ना वो रिचार्ज होगा, ना उसमें अमाउंट ऐड होगा और फिर अगर आप टोल पर जाएंगे तो टोल पर आपको डबल पेमेंट लगेगी, यानी कि दुगना पैसा वहां पर आपको देना होगा। तो इसीलिए ये खबर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी और वक्त रहते अगर आप आज भी अप्लाई करते हैं तो हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में जो है वो आपका फास्टैग का KYC अप्रूव हो जाए, क्योंकि इसमें 7 दिन का समय लग सकता है। तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि हर गाड़ी पर अब फास्टैग है, बिना फास्टैग के कोई भी गाड़ी जो है वो टोल से पार नहीं होती है, अतिरिक्त टोल का भुगतान करना पड़ता है और सभी यूजर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट आप कहें कि रिमाइंडर है कि अपनी गाड़ी का अगर फास्टैग आपने KYC नहीं अप्रूव करवाया है तो आज ही इसके लिए अप्लाई करें ताकि आपको टोल पर परेशानी ना हो। नमस्कार।